अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेना है, मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे अभी इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करना है। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि कहानी हम कभी नहीं भूलते, कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। हम कोई लेसन पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, वो हम भूल सकते हैं, लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। तो जब भी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जहां पर जानवर होते हैं वही जानवर खा लेते हैं। उसके बाद में जब एक राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं, उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, उसको हाथी पे बैठाया गया और उसके बाद में उसको गुड बाय कहने के लिए उसको बोट पे बैठा दिया, जहाज पे बैठा दिया और उसको गुड बाय किया गया। उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पे उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो राजा भेज दिया जाता है, उसके बाद में वो सोचते हैं कि अब नया राजा कौन बनेगा हमारे राज्य का। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको राजा बना देना चाहिए। तो जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं उस इंसान के पास में और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राजा बनोगे, तो वो बंदा मना बोल देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि हर 5 साल के बाद, यानी कि जब आपके 5 साल कंप्लीट हो गए तो आपको 5 साल के बाद में आपको ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर जानवर ही खा लेंगे, जहां पर जीवन नहीं है। तो उसके बाद में उस जगह के काफी लोगों ने बहुत बारी बोला कि प्लीज आप हमारे जगह के राजा बन जाओ, आप बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, आप बहुत अच्छे तरह से इस जगह को चलाओगे, आप बहुत अच्छे तरीके से सबका ध्यान रखोगे। सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद में उस इंसान ने बोल दिया हाँ कि मैं आपकी जगह का राजा बनने के लिए भी तैयार हूँ और मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि 5 साल के बाद में मैं ऐसी जगह भेज दिया जाऊंगा जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, ऐसी जगह पर भेज दिया जाऊंगा। तो जैसे ही वो इंसान राजा बन जाता है, 3 दिन के बाद में वो राजा अपने जगह के लोगों को बोलता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप हर बार 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उस राजा को भेज देते हो उस जंगल के अंदर। वो राजा जाता है अपने लोगों के साथ में उस जंगल के अंदर, विजिट करता है, देखता है कि वो कौन सी जगह है। विजिट करके देखता है कि वहां पे बहुत राजाओं की बॉडीज पड़ी है, बहुत राजाओं की लाशें पड़ी है, वो इतना ज्यादा घना जंगल है। वहां पे देखता है कि बहुत अलग अलग तरह के जानवर है। उसके बाद में राजा का चलता है दिमाग, उस जगह को देखने के बाद में राजा क्या प्लानिंग करता है। राजा अपने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है, यही से आपको कुछ सीखना है। जब राजा जंगल में जाकर देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है, यहाँ पे बहुत जानवर है, उसको देखने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना होगा और मुझे 5 साल बाद इस जंगल में तो कतई नहीं आना है। उसके बाद में राजा खेलता है अपना खेल, वो अपना दिमाग चलाता है। राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के सारे ट्रीज कटवा दिए, घना जंगल जिसकी वजह से लग रहा था वो सारी चीजें हटवा दी और वहां के जितने जानवर थे, जो जानवर मारने वाले थे, उन जानवरों को भी हटवा दिए वहां से। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया, उसको और थोड़ा सा ऐसा बनाया गया कि वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया। चौथे साल में वहां पे काफी सारी बिल्डिंग्स बनने लगी, वहां पे कॉम्प्लेक्स बनने लगे, वहां पे लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, वहां पे रोड वगैरह बनने शुरू हो गए और काफी हद तक बन गया था कि वहां पे जाकर रह सकते हैं। पांचवें साल में पूरा का पूरा वहां पे लोगों का रहने का पूरा इंतजाम भी कर दिया। अपने 5 साल में ये सारा बनाने के साथ मैं भी राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था। राजा बहुत कम पैसे खर्च करता था और काफी सारी सेविंग्स करता ताकि वो पैसे वो खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जो जगह वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे अपने वहां जगह भेज दो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा ताकि मुझे 5 साल के बाद में वहां पे भेजा जाएगा। तो उसके बाद में वहां के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन और बाकी है। वो एडवांस में बोलने लगे, इतने एक्साइटमेंट होने लगे कि मुझे वहां उस जगह पर जाना है। तो जैसे ही 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, उस राजा को गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया गया, लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि यार राजा तो अभी भी हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था कि जितनी बार राजा चेंज होता था, तब 5 साल कंप्लीट होते थे तो हर बार राजा रोता हुआ जाता था और ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, तो राजा सबको बोलता है, और ये लाइन आपने बहुत जगह सुन रखी होगी, राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो दुनिया सारी हंसती है और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया, उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता उस जगह पर जा रहा था। वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा आए हैं, वो राजा 5 साल में इतने खो जाते हैं राज करने में, खो जाते हैं लग्जरियस चीजें पहनने में, इतने मजे करने में, कि वो भूल नहीं जाता है कि उनको 5 साल के बाद में ऐसी जगह पे भेजा जाएगा जहां पे उनको बनना पड़ेगा। लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को भी ठीक किया, मुझे ये पता था कि मुझे 5 साल के बाद में कहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए मैंने उस पर वर्क किया, मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए, मैं खोया नहीं।
मैं राजा जरूर था, लेकिन राजा बनने के बाद में मैं ये नहीं बोला कि मेरे आने वाला टाइम कैसा होगा। मैंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की। तो जब वो राजा जाता है, वो खुश होते हुए जाता है, अपनी सारी सेविंग्स को लेकर जाता है, जो सेविंग उसने करी थी राजा होने के बाद में, जितने उसने पैसे कलेक्ट करे थे, जितने उसने चीजें कलेक्ट करी थी राजा बन जाने के बाद में, उसने अपने सारे पैसे खर्च भी नहीं किए, उसने अपना फ्यूचर संभाला, उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको भी केवल कुछ ही टाइम मिलता है अपनी लाइफ को पूरी अच्छी बनाने के लिए। आप अगर मेरी एज की हो, अगर आपकी एज आती है 16 से 24 के बीच में, तो ये आपकी गोल्डन एज है। इस एज में आपको जितना जोश मिलता है, जितना आपको जज्बा मिलता है, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर भरी होती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में मजे करते हो, इस एज में आप केवल एंजॉय करते हो, एंटरटेनमेंट में ही ध्यान देते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना होगा, यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना होगा जहां पे आपको जानवर खा जाएगा, यानी कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था, उसकी तरह आप अगर प्लानिंग करते हो, काम करते हो उस पे, तो आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ पूरी अच्छी निकाल सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरा जंगल कटवा के उस जंगल की बजाय एक किंगडम बना दिया, एक पूरा अलग राज्य बना दिया। क्या आप अपनी जिंदगी का एक राज्य बना रहे हो, या फिर आप अपनी जिंदगी के जंगल को जंगल ही बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो स्टोरी को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी कोई आपको कहानी सुनाएगा तो आपको कहेगा, यार ये कहानी मैंने सुनी हुई है, क्योंकि कहानी जिंदगी भर याद रहती है, लेकिन बातें याद नहीं रहती है। इस कहानी को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।